हेलो जी, नमस्कार सर, परवीन अलाउद बोल रहा हूँ। नमस्कार नमस्कार अलाउद जी, कैसे हो सर? सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद, आपको जननायक जनता पार्टी की टिकट मिल चुकी है सर। इस मौके पर कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से पार्टी हाईकमांड डॉक्टर राजेश सिंह चौटाला जी, माननीय सांसद दुष्यंत चौटाला जी जी, और सरदार निशान सिंह जी व पार्टी के तमाम नेताओं का जी धन्यवाद करना चाहूंगा, जो मुझ जैसे कार्यकर्ता को जी इतनी बड़ी बहादुरगढ़ के अंदर जिम्मेदारी दी है जी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बहादुरगढ़ के लोगों को कहना चाहूंगा जी कि जो ये लूट की जो राजनीति पिछले 5 साल से बहादुरगढ़ में चली हुई है जी, उसको खत्म करने का काम करेंगे। और जो यहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी द्वारा 40 और 60 पैसे का जो एक सांझा जी क्या नाम है, कमीशन खाने का धंधा चला रखा है बहादुरगढ़ नगर परिषद में जी, उससे निजात दिलवाने का काम हम लोग करेंगे। और बहादुरगढ़ की जनता जो आज पूर्ण तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने इस विधायक को जो दोबारा टिकट दिया है, हाँ जी, जो कि उम्मीद लगाई बैठी थी कि इसका टिकट बदला जाएगा जी, लेकिन फिर दोबारा से जो है जनता के खिलाफ जो है बीजेपी ने किया, इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा जी। और आज जो लोग कह रहे हैं अच्छे दिन की बात, मैं पूछना चाहता हूँ जी कि 80 रुपए किलो जो प्याज बिक रहा है बाजार के अंदर, वो आज 80 डॉलर से भी महंगा प्याज जो 1 केजी मिल रहा है जी। ये आपको याद होगा 22 साल पहले प्याज की वजह से बीजेपी सरकार दिल्ली में गई थी जी, बिल्कुल गिर गई थी सर प्याज के कारण। 22 साल हो गए उसके बाद दिल्ली में सरकार नहीं आई, यही हरियाणा प्रदेश में होगा। और आज पूर्ण तौर पर दुष्यंत चौटाला जी की तरफ प्रदेश की 36 बिरादरी के लोग जी, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो जी, चाहे व्यापारी हो, चाहे कर्मचारी हो, हाँ जी, चाहे कोई छोटा दुकानदार हो जी, वो दुष्यंत चौटाला की तरफ एक, आज ऐसे जो राजनीतिक हालात इस प्रदेश में हो रखे हैं जी, उसकी तरफ एक निगाह लगा करके बैठे हैं जी। जी बिल्कुल, चौधरी लीवलाल की नीतियां दोबारा लागू होगी हरियाणा प्रदेश के अंदर जी, और जननायक जनता पार्टी एक मजबूत नेतृत्व हरियाणा प्रदेश में जो है देने का काम करेगी। सर जब जज्जर प्रोग्राम था दुष्यंत चौटाला का, आपने मुझसे कहा था कि अगर जननायक जनता पार्टी संजय दलाल पर भरोसा जताती है तो सबसे पहली टिकट है मैं जज्जर जिले से निकाल के दूंगा, क्या अभी कायम है उस चीज पे? मैंने नहीं कहा मैं निकाल करके दूंगा, मैंने कहा अगर संजय दलाल को या किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता को जी अगर ये टिकट दुष्यंत चौटाला जी देने का काम करेंगे तो पहली सीट पूरे हरियाणा प्रदेश में बहादुरगढ़ की जनता, बहादुरगढ़ के लोग इस विधायक से और इस कांग्रेस सरकार से जो पिछले 10 साल में नकारा विधायक रहा बिल्कुल पूर्णतः, हाँ हाँ, राजेंद्र सिंह जून जो एक मेहमान की तरह आता था सिर्फ बहादुरगढ़ के अंदर, हाँ, इनसे निजात दिलाने का काम करेगी और एक कमेरे की, किसान की और कमेरे की सरकार कायम करेगी, हाँ, चौधरी देवीलाल की दीपिया दोबारा से इस प्रदेश के अंदर कायम हो जी, इस दिशा में जनता फैसला लेगी। जननायक जनता पार्टी जो चापी का निशान है, हाँ, उसको जो है वोट दे करके लोग जो है उसको जो है ताकत देने का काम करेंगे। सर आपको टिकट मिलने के बाद बहादुरगढ़ की जनता में कैसा जोश देखने को मिल रहा है, आपके कार्यकर्ता कितने उत्साहित हैं, और कहीं ऐसा तो नहीं बहादुरगढ़ जेजेपी में कोई नाराज हो गया हो, इस तरह की बातें तो नहीं है ना? सारे के सारे टिकटार्थी जो थे दुष्यंत चौटाला जी ऐसे जो है जबरदस्ती टिकटें नहीं देते किसी को भी, हाँ, सबको बिठा करके फैसला किया था जी, सब ने सर्वसम्मति से फैसला लिया। जिस प्रकार से कल बीजेपी की सुन रहे थे आप, क्या नाम है, 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हाँ, और लास्ट में जो है उन्होंने कहा कि हम ईमेल द्वारा में जो आप लोगों जो पार्टी जी अपने टिकटार्थियों का अपनी घोषणा प्रेस के सामने करने की हिम्मत नहीं रखती हो, हाँ हाँ, वो इस जनता के सामने क्या फेस कर पाएगी जी। बिल्कुल पूर्णतः जो है जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट है पूर्ण तौर पर, और दुष्यंत चौटाला जी ने बहादुरगढ़ के लोगों से, कार्यकर्ताओं से पूछ करके ये टिकट जो है कार्यकर्ताओं को देने का काम किया। बिल्कुल बिल्कुल सर, हमारे माध्यम से बहादुरगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता को संजय दलाल अब टिकट मिल चुकी है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? हेलो सर, हमारे माध्यम से बहादुरगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता को संजय दलाल क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं अपने बहादुरगढ़ की जनता को एक ही बात कहना चाहूंगा जी, पिछले 10 साल एक मेहमान को आपने एमएलए बना करके रखा, हाँ,
जो कि भादुगढ़ में रहता नहीं था, साउथ टेक्स में रहता था। हाँ हाँ। और जो है क्या नाम है, 5 साल एक ऐसे विधायक को आपने जो है जिम्मेदारी दी, हाँ, किसने जात पात का नारा दे करके जो है लोगों को बरकलाने का काम किया। हाँ। और 5 साल में सिवाय भ्रष्टाचार के भादुगढ़ के अंदर, हाँ, कोई भी काम नहीं हुआ। जो 2300 करोड़ रुपए लगाने, हाँ, की बात ये लोग करते हैं, अगर ईमानदारी से कोई जांच हो तो भादुगढ़ के अंदर 2300 करोड़ रुपए में हजारों करोड़ रुपए का घोटाला है। हाँ। जो पूरी की पूरी ग्रांट को हड़प जाते हैं, बड़ी बड़ी गलियों को बना करके जो है पैसे लेने का काम कर रहे हैं। हाँ। मैं कहना चाहूंगा इन लोगों से निजात पाने का समय आ गया है। हाँ। और मैं ये मानता हूँ भादुगढ़ में जो जनप्रतिनिधि होता है वो MLA नहीं होता। हाँ हाँ। वो जो है चौकीदार होता है, जनता का सेवक होता है जी। तो मैं अपील करूंगा जनता से, अपने जितने भी हमारे मतदाता हैं, हाँ, तुम बहन भाइयों से भी, बुजुर्गों से भी, नौजवान साथियों से भी, हाँ, एक प्रदेश का युवा, एक बहुत बड़ी उन्होंने जो है कदम उठाने का काम किया चौधरी देवलाल जी की नीतियों को लेकर के, हाँ, आप जननायक जनता पार्टी को ताकत देने का काम करें, हाँ, और विधायक बना करके हमारे को जो है भेजने का काम करें, जनप्रतिनिधि बनाने का काम करें जी। हम आधी रात को भी अगर किसी भादुगढ़ वासी को कोई भी बात होगी तो साउथ एशिया ऐसे लोगों बनी उनके दरवाजे पे हम खड़े मिलेंगे। हाँ। सर आपके मांडोठी गांव में कैसा उत्साह देखा जा रहा है, जननायक जनता पार्टी की टिकट आपको मिली है उसके बाद? मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊंगा, मांडोठी गांव, हाँ, जो है जो मेरे लिए गर्व की बात है, मांडोठी, हाँ, गांव जो मेरा जन्म स्थान है, हाँ, मैं टिकट लेकर के गांव में गया था, हाँ, और 36 बरादरी को उस टिकट को मैं सौंप करके आया हूँ। मैंने कहा मैं टिकट लेकर के नहीं आया, ये टिकट मेरे को जो दी है, हाँ, मेरे जो 25 साल की मेहनत और मेरे जो इतना बड़ा परिवार है, जो मेरा भाईचारा है, हाँ, उसको मान करके ये दी है, हाँ, तो मेरे गाँव ने जो है 36 बरादरी ने वो जो है वो टिकट को स्वीकार किया है। और कल से ही मेरा आसोदा गांव है जो इकट्ठा होने जा रहा है शाम को 4 बजे जी, आप भी इनवाइटेड हैं, और उसके बाद जाकोदा गांव है जी, हम सब मिलकर के जो है भादुगढ़ के अंदर एक नया, हाँ, जो है क्या नाम है जोश के साथ जी, हम एक क्या नाम है काम करने का काम करेंगे। हाँ। और जन सेवा जो है चौधरी देवलाल की नीतियां रही उनको करने का काम करेंगे जी। जी बिल्कुल सर, मेरा आखिरी सवाल है आपसे, क्या इनेलो पर कुछ कहना चाहेंगे संजय दलाल आज? अब किसी बात को कुछ नहीं कहना जी, सब सबके सामने है जी, बस यही कहना है भादुगढ़ की जनता, हाँ, फैसला ले, हाँ, और जो है भाई दुष्यंत चौटाला जी ने जो 75% युवाओं को रोजगार देने की बात जो की है, हाँ, जो आज आपने पता है 15 लाख युवा 3 दिन तक, हाँ, सड़कों पर जो है क्या नाम है किस प्रकार से इकहत्तर सरकार के नकारा और निकम्मेपन के कारण जी, जो सरकार बेटी बचाओ, हाँ, बेटी पढ़ाओ की बात करती है, हाँ, अलावत जी, जी बेटी माँ और बेटियों ने रात में बस स्टैंड के ऊपर रात बिताने का काम किया है, हाँ, जो 300-400 किलोमीटर तक वो बच्चे जो घूमने जो गए थे, हाँ, हाँ, पेपर देने के लिए, हाँ, अब उनका समय आ गया है, खट्टर जी का पेपर है, अब देखते हुए सोशल मीडिया पर जी, हमने तो जो है 500-500 किलोमीटर तय करके अपना पेपर दे दिया जी, कटर जी 21 तारीख को आपका पेपर है जी, वो जो सिलेबस ऐसा आएगा जिसके बारे में आप जानते ही नहीं जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद धन्यवाद अलाउ जी जी, थैंक यू।